थोड़ा सा मिलाएंगे अनार, अच्छे से फीट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फल और बचाएंगे। अच्छे से इसको करता है मिक्स। हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? तो दोस्तों, नया साल आने वाला है, बच्चे कह रहे हैं फूड कस्टर्ड बनाओ, तो उसके लिए ले रखा है मैंने फल, पपीता ले रखा है, केले ले रखे हैं, और ये ले रखा है क्या? तो दोस्तों, इसको क्या कहते हैं मुझे तो पता नहीं है, ये ले रखा है। तो कैमरामैन कह रहा है ये कीनू है। ठीक है, कीनू है। तो दोस्तों, हमने ले रखा है कीनू, सेब और अनार, पपीता और केले, बहुत सारे फ्रूट ले सकते हो, पर मैंने इतने ले रखे हैं। इनको काटते हैं बारीक बारीक, तो दिखाते हैं आपको। पपीते को काट लेते हैं, पपीता मैंने धो लिया था। वाओ, कितना पका है, बढ़िया सा। अच्छे से इसको छील लेंगे, कस्टर्ड के लिए जितना फल हो उतना अच्छा लगता है। और नया साल आ रहा है, बच्चों को कुछ खाने का मन कर रहा था, मैंने सोचा क्या बनाए क्या बनाए, तो बच्चों ने कहा कस्टर्ड बनाओ, मम्मी घर पर पड़ा है, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है। फलों को अच्छे से काट लेते हैं, और पपीता तो बिल्कुल हेल्दी होता है बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को पपीता खिलाना चाहिए दोस्तों। बच्चा बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको रोज पपीता खिलाओ थोड़ा थोड़ा करके, तो वो ताकत आती है और बच्चा बढ़ता भी है जल्दी, तो पपीता खिलाना चाहिए। मेरी पोती तो खाते रहती है। तो दोस्तों, ये घरी का पपीता है, पेड़ भी कभी दिखाऊंगी आपको, पीछे लटके हुए हैं, इसके अंदर बीज नहीं होता है, अगर बीज होता तो और शानदार होता, पेड़ लगाए जाते। ये देखिए, इसके अंदर से हम साफ कर लेते हैं और फिर काटते हैं, फ्रूटों को दिखाते हैं आपको। गाना तो गाना भी गाना, वो डालता जो क्या है, वो डाल ही ना दियो, मैं गीत, मैं तो उसको चिढ़ाती हूँ। सेब को भी काट लेते हैं, सेब को छील लेंगे, आप ऐसे भी डाल सकते हो, पर छोटे बच्चे भी खाते हैं इसलिए छिक्कल को निकाल देंगे, छिक्कल मुंह में अड़ जाते हैं बच्चों के। पोती मम्मी ले सेगे। तो इधर अनार भी हमारा बढ़िया निकल गया, अच्छा दाना, अनार को भी छील लेते हैं, अनार के सब दाने निकाल लेते हैं। आज मैं बना रही हूँ वीडियो, कैमरामैन छीलेगा, तो कैसे बनाती हूँ वीडियो देखते रहो। कैमरामैन के हाथ में सौंप दिया है, अब ये पता नहीं खाता है या प्लेट में रखता है, कुछ पता नहीं। इधर ले रखी है मैंने कढ़ाई, इसको चढ़ाते हैं चूल्हे में, हमारी आग बढ़िया से जल गई है। इधर ले रखा है मैंने 3 गिलास दूध, कच्चा दूध है, इसको उबाल लेते हैं। इसको अच्छे से उबालते हैं, फिर दिखाते हैं। दूध उबल रहा है, इधर ले रखा है मैंने कस्टर्ड पाउडर 2 चम्मच भर के, तो ये दुकान में मिल जाता है, परचुनी की दुकानों में मिल जाता है। अब इसमें लेंगे थोड़ा सा दूध, इसका बनाएंगे घोल, पतला सा घोल बनाऊंगी, तो इसको रख देते हैं साइड पे बना के, हमारा दूध अच्छे से उबलेगा, उसके बाद इसमें डालेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो यूट्यूब पे। दूध हमारा उबलने लग गया, अब हम लेंगे 6 चम्मच चीनी, छोटा चम्मच है ये, और चीनी को उबालते अच्छे से। चीनी के साथ को हम दूध उबालते हैं, दूध को उबालेंगे हल्की आंच में। तो दोस्तों, इधर धुआं भी हो जा रहा है, लकड़ियां हैं कच्ची, धुआं हो रहा है। दूध हमारा अच्छे से उबल गया है, अब मैंने ले रखा है कस्टर्ड पाउडर, इसको इसमें मिला देंगे, कस्टर्ड पाउडर का घोल इसमें मिला देंगे, तो घुमाते रहते हैं, तो दूध को अपना आप गाढ़ा करेगा, हल्की आंच में पकाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। दूध में जाते ही देखिए कितना गाढ़ा हो गया हमारा दूध, कस्टर्ड का कमार है ये। 1-2 मिनट और पकाते हैं, फिर इसको निकाल देते हैं, बस थोड़ा हमको गाढ़ा ही चाहिए होता है। इधर देखिए हमारा कस्टर्ड बनने लग गया है, गाढ़ा हो गया है, अब निकाल देंगे इसको। दही जैसा हो गया, दही नहीं, बिल्कुल मलाई हो गई, मलाई। ये ले रखा है मैंने कांच का बाउल, इसमें लौट देंगे हम, जिसमें हम
कस्टर्ड बनाएंगे फल वाला, उसी में लौट देंगे। तो मैं बनाऊंगी कांच के बाउल में, इसको करते हैं ठंडा, तब तक के लिए फल काट लेते हैं। कैमरा मैन कह रहा था मम्मी एक चीज और पड़ेगी, तो ये लेके आ गया अंगूर ड्राई फ्रूट। तो चलते हैं बनाते हैं। तो दोस्तों साथ साथ में कैमरा मैन मेहनत भी करता है और साथ साथ में पैसे खर्च भी करता है। तो कह रहा मम्मी इसको भी डालना, तो कितना अच्छा अंगूर लाया है और ये काले वाले, तो मुझे तो काले वाले ज्यादा पसंद आए। तो इसको भी सपोर्ट करो दोस्तों, इसका भी चैनल है, बताओ क्या चैनल है आपका? फूडी एनी ब्लॉग। तो दोस्तों इसका फूडी एनी ब्लॉग है, तो इसको फूडी एनी ब्लॉग है, इसको भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। इसका कीनू को भी छील लेते हैं अच्छी तरह से, जो ये धारे होते हैं इसके धागे निकाल देंगे। अब हमारे फल पूरे हो गए हैं, बिगर अंगूर के हमारा कस्टक अच्छे से नहीं बन रहा था, अंगूर लेके आ गया, अब हमारा कस्टक बढ़िया करके बनेगा, बच्चों को खाने में भी पसंद आता है। अच्छे से इसके धागे निकाल लेते हैं और केले को छील लेते हैं। तो हमारा कस्टक तैयार हो गया, ठंडा हो गया है, अब मिलाने वाले हैं हम इसमें फ्रूट। तो देखिए पहले सबसे पहले सेब मिलाएंगे और इसको भी मिला लेंगे, कीनू अंगूर को भी मिला लेंगे, पपीते को भी, और केलों को मैंने काट लिया था छोटे में और गोल में। थोड़ा सा मिलाएंगे अनार, अच्छे से फीट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फल और बचाएंगे अंगूर और अनार को। अच्छे से इसको करते हैं मिक्स, बहुत सारे फल डाल सकते हो जो भी आपके पसंद है, जो भी आपके पास है। अब ले रखे हैं मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, इसके ऊपर से लगाएंगे, इसको सजाएंगे। अब इसको आगे सजाने की बारी, अच्छे से हमने घुमा लिया है, सबसे पहले अंगूर डालेंगे ऊपर से, दिखने में भी तो अच्छा दिखना चाहिए भाई। भैया यूट्यूब में डाल रही हूँ, इंस्टाग्राम में जाती है, तो मैंने कहा थोड़ा सजाएंगे भी कैमरामैन से, तो दोस्त लोग देखते हैं हमारे। अब डालेंगे अनार, कैमरामैन जल्दी से फोकस करो। जब कस्टक हमारा ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें फल मिलाने चाहिए, और ठंडा ठंडा खाने में और अच्छा लगता है। अब करती हूँ मैं सब, ये ले रखा है मैंने एक बाउल, इसमें डालते हैं तो ऐसे खाते हैं इसको। तो ये सबसे पहले मेरे दोस्तों के लिए है, तो दोस्तों आओ जल्दी से नए साल के व्रत में खा के जाओ फलों का कस्टर्ड फल। तो लीजिए दोस्तों ये आपके लिए। तो रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, नए साल की बधाई आपको। तो कैमरामैन का हाथ आने वाला है, तो देखिए चले फिर बाय, तो करो बाय, चलो हो गई, तो हमारी वीडियो बन गई है दोस्तों।